एक बार हमारी मुलाकात में उन्होंने कहा कि अरुण जी, मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री निवास का अभी खर्चा 0.10% है। तो मुझे वो पॉइंट ही सुनाई पड़े, मेरे ओनली 10%? नो नो अरुण जी, 0.10%। इतना कम? तो मेरे दिमाग में वो आ गया। तो जब हाईकोर्ट में मुख्य सरकारी वकील की नई कचेरी बनी, कार्यालय बना, तब उसका उद्घाटन के बाद थी, तो ये मेरे दिमाग में था कि इतना जो उनका पारदर्शक और कम खर्च में कैसे चलाना, उसका जो जो मेरे पर प्रभाव पड़ा था। तो मैंने भी सोचा कि ये एक हाईकोर्ट का पूरा कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हो गया है। तो एक वहाँ बड़ा बिल्डिंग था, मगर फिर भी उसका कॉम्प्लेक्स का भाग था, तो इतना सारा खर्च नहीं करना चाहिए। मेरे दिमाग में यही दर्रे भर की बात थी कि ये जब ये इतना कर रहे हैं तो हमको भी सोचना चाहिए कि आम जनता पर, सरकार पर ज़्यादा ऐसा खर्च का बोझ न पड़े। तो मेरे 5.5 साल तक मैं रहा मुख्य सरकारी वकील, मगर मुझे एक भी प्रसंग याद नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत मुझे सिफारिश की, किसी के बारे में, पॉलिसी मैटर हो या किसी को कुछ ऐसा फेवर करने की बात हो, कभी नहीं, एक इंसिडेंट नहीं। ये मेरा दूसरा उनके लिए अच्छा रहा कि मुख्यमंत्री होते हुए भी उनके पास काफ़ी लोग जाते होंगे, फिर भी उन्होंने कभी मुझे एक भी सिफारिश नहीं की। ये इतने वो न्याय तंत्र पर उनका विश्वास, और जो अपने कार्यकर्ता जो वो जिम्मेदार निभा रहे हैं उनका पर का विश्वास उनको था, ऐसा मुझे लगा। मैं जब मुख्य सरकारी वकील था हाईकोर्ट में, तब काफ़ी अधिकारी, IAS अधिकारी मेरे पास आते थे, तो उनसे मेरी जो बातचीत होती थी, तो वो एक चिंतन शिविर करते थे। तो ऐसी एक चिंतन शिविर IIM अहमदाबाद में थी, N विट्ठल करके बहुत पुराने अधिकारी रह चुके थे केंद्र सरकार में, वो भी आए हुए थे। तो 3 दिन की शिविर में उन्होंने सबकी बात, सुझाव सुने, जो बड़े बड़े IIM IIT और ऐसे फाइनेंस के एक्सपर्ट्स, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स थे, सब आए थे, तो उन्होंने सब सुना, सबकी बातें 3 दिन तक। मुझे दो अधिकारियों ने बताया था कि अंतिम दिन जब समारोह था, उन्होंने जो 3 दिन लोगों ने बताई बात, हाथ में नोट रखे बिना किसने क्या सुझाव दिया और क्या क्या उसके ऊपर अमल कर सकते हैं हम, उसमें फाइनेंस इम्प्लीकेशंस कितना है नहीं है, उसकी पूरी चर्चा जो उन्होंने अंत में किया समारोह में, तो अधिकारी गण, इवन N विट्ठल खुद, वो चकित रह गए। मुझे एक अधिकारी ने उस समय बताया था कि डिनर में N विट्ठल ने बोला कि अगर ऐसी बातें गुजरात की, सूरत की और होगी, और मैं प्राइम मिनिस्टर का दर्शन कर रहा हूँ, ऐसा वो बोले थे उस समय।